नमस्कार दोस्तों तेलंगाना में मुनुगोड़े विधानसभा सीट का उपचुनाव होने जा रहा है पूरे देश में ही कई विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने जा रहे हैं और ये उपचुनाव इस लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि तेलंगाना में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं बीजेपी वहाँ पर फुल फोर्स से चुनाव लड़ रही है मुनुगोड़े जो सीट है वहाँ के जो विधायक थे कांग्रेस के उन्हें तोड़कर अपनी तरफ लाई है और वहाँ पर उपचुनाव कराया जा रहा है बीजेपी ने पिछले दो उपचुनाव यहाँ पर जीते हैं तीसरा वो जीतने की कोशिश में है इससे टीआरएस में बड़ी घबराहट है केसीआर घबराए हुए हैं कि कैसे काउंटर अटैक किया जाए बीजेपी की इस पॉलिसी का इन सब के बीच एक घटनाक्रम ऐसा हुआ है कल जो आज अखबारों की सुर्खियाँ बना हुआ है हालांकि नॉर्दर्न इंडिया के जो अखबार हैं उन्होंने इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं उछाला है लेकिन दक्षिण के अखबारों में कुछ नेशनल पेपर्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है हुआ ये है कि जो तेलंगाना में साइबराबाद पुलिस है साइबराबाद थाने की पुलिस है उसने एक बड़ा खुलासा किया है और एक बड़ा दावा किया है उन्होंने ये कहा है कि टी के चार विधायकों को ख़रीदने के लिए एक कोशिश की जा रही थी मैं अभी इस बारे में पूरी डिटेल्स देख रहा था और मेरे लैपटॉप पर सारी चीज़ें खुली हुई हैं तेलंगाना पुलिस ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के चार विधायकों को ख़रीदने की कोशिश का खुलासा किया है और साइबराबाद पुलिस है जो थाने की उसने एक फार्म हाउस की तलाशी के दौरान तीन लोगों को अरेस्ट किया ये तीनों के की पार्टी टी के विधायकों को तथाकथित रूप से खरीदने के लिए आए थे और इनके पास से नकदी और चेक भी बरामद किए गए हैं ये भी पता नहीं लगा है कि कितनी नकदी कितने चेक इनके पास थे टीआरएस ने ये तुरंत कह दिया है कि ये सब बीजेपी की कोशिश है और पार्टी के जो प्रवक्ता हैं कृष्णक टीआरएस के उन्होंने कहा है कि केसीआर के विधायक बिकने वाले नहीं हैं जबकि खबर पुलिस के अपुष्ट सूत्रों से ये खबर पता लगी है कि सौ करोड़ रुपए तक की ऑफर इन लोगों को दी जा रही थी टीआरएस के जिन विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई उनमें गुवाला बलाराजू, राजू बीरम हर्षवर्धन पायलट रोहित रेड्डी और रेगा कंथा राव शामिल हैं ये सब लोगों के नाम मीडिया में चल रहे हैं पुलिस का जो साइबराबाद पुलिस के कमिश्नर हैं स्टीफन रविंदर उनका कहना है कि हमें टीआरएस के विधायकों ने ही खरीद फरोख्त फरोख्त होने की जानकारी दी थी हमने अजीज नगर के एक फार्म हाउस पर छापेमारी की तो हमें नकदी और चेक बरामद हुए और विधायकों को ख़रीदने के लिए सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक की डील हो सकती थी अब आप समझिए सौ करोड़ रुपये के अगर एक विधायक को मिल रहे हैं तो वो क्या रुकेगा अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं अगले साल वो पता नहीं जीतेगा या नहीं जीतेगा सौ करोड़ रुपए में तो आसानी से बिक जाएगा फिर इसमें बीजेपी पर जब आप आरोप लगा देते हैं उसकी पुष्टि कैसे हो बीजेपी अगर आपके चार विधायक तोड़ लेगी तो उससे क्या हो जाएगा क्या सरकार गिर जाएगी टी की क्या बीजेपी यहाँ पर सरकार बना सकती है जिसके ऑलरेडी यहाँ पर केवल तीन तीन चार एम हैं तो वो कैसे आपकी सरकार को गिरा सकती है ये कुछ इसी तरह की बात है जिस तरह की अरविंद केजरीवाल कहते रहे हैं अरविंद केजरीवाल कई बार आरोप लगाते रहे हैं कि हमारे खिलाफ ऑपरेशन लोटस चल रहा है दिल्ली में इस स्थिति में बीजेपी नहीं कि अरविंद केजरीवाल के विधायक तोड़कर अपनी तरफ मिला लें और सरकार बना लें संभव नहीं है पंजाब में ऐसा संभव नहीं है पंजाब में तो 97 सेवन एम एल में से आम आदमी पार्टी के वहाँ पर भी ये प्रस्ताव ला रहे हैं विधानसभा में और कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे हैं कि साहब हमने विश्वास मत हासिल कर लिया है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मुझे तो ये लग रहा है कि केसीआर को थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल ने कहीं से ये गुरु मंत्र दे दिया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के और इनकी कारोबारी ताल्लुक रहे हैं आपको ध्यान होगा जो शराब घोटाला अभी दिल्ली में खुला है जिसमें मनीष सिसोदिया आरोपी बनाए गए हैं सीबीआई जांच कर रही है उसके बारे में ये भी खबर थी कि टीआरएस जो केसीआर हैं इनकी बेटी है वो एमएलसी है वहाँ की उनके साथ कुछ सेटिंग हुई थी और तेलंगाना में हैदराबाद का जो एक होटल था उसमें ही सारे शराब कारोबारियों की डील हो रही थी इस बारे में तो मान आनी का दावा करने तक की बात कही थी केसीआर की बेटी ने तो अरविंद केजरीवाल ने मुझे लगाया कुछ गुरु मंत्र दे दिए हैं उन्हें और के को भी ये लगने लगा है कि अगर अगले साल हमें सरकार बनानी है या अपनी सरकार को बचा कर रखना है यहाँ पर तो हमें इस तरह के आरोप लगाने पड़ेंगे और बीजेपी की छवि खराब करनी पड़ेगी जिससे कि उपचुनाव में भी उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसका कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे का खंडन भी कर दिया है और बीजेपी का ये कहना है कि ये सब चौचलेबाजी है और अब चुनाव हार रहे हैं तो अब इस तरह की हरकतें के केसीआर और उनके नेता कर रहे हैं बीजेपी ने कई इस तरह के कहा है कि अगर हम हमें हमें खरीदने से इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और अगर हम इसे इन्हें खरीदना चाहते हैं तो उसके कोई पुख्ता सबूत दीजिए पुलिस के मुँह से ये कहलवाने से कुछ बात नहीं बनती है कि हम लोग के सी आर के विधायकों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे तो मुझे तो सिर्फ इसमें इतना ही नज़र आ रहा है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने कोई गुरु मंत्र दिया है के सी के सी आर को और उन्होंने कहा है कि इस तरह का झूठ बोलते रहो और झूठ बोलने से आपको हो सकता है कि कम से कम जो उपचुनाव होने जा रहा है तीन नवंबर को उसमें आपको थोड़ी बहुत सफलता मिल जाए क्योंकि के सी आर को ये लग रहा है कि अगर मैं ये उपचुनाव हार गया तो समझ लो अगले अगली बार बीजेपी यहाँ सत्ता में आ जाएगी और बीजेपी भी इसी तरीके से चुनाव लड़ रही है कि मुनगोड़े कि जो विधानसभा सीट है अगर इस उपचुनाव को जीत लिया जाए तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव जीतना परस्पर बहुत ही आसान होगा खैर अभी मुझे लगता है कि जिस तरह से ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले द्वंद्व चला था कुछ ऐसा ही द्वंद्व तेलंगाना में देखने को मिलेगा अभी बहुत आरोप प्रत्यारोप लगेंगे अभी बहुत जांच होंगी अभी बहुत छापे पड़ेंगे इन सब पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा वरना मेरे लाइव आने का आपको पता नहीं लगेगा और लाइव शो में हम सवाल जवाब भी करते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही किसी अगले अपडेट के साथ आपसे फिर मिलता हूँ नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें